80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस मदरसा रोड आनंदमान स्कूल के बगल में गढ़। नोट, हमारी यहाँ मोटर स्मर्सिबल नल चापाकल जनरेटर पार्ट्स पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले मामले की जांच को लेकर मंगलवार को जिला के कई अधिकारी डंडई पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने सबसे पहले मुख्यालय के होली फेथ पब्लिक स्कूल स्थल की जांच की। स्थल जांच के दौरान अधिकारियों ने सभी वर्ग कक्ष में घूमकर कमरों की संख्या और साइज अपने डायरी में नोट किए। हालांकि विद्यालय के प्राचार्य और न ही किसी सहायक शिक्षकों से उनकी मुलाकात हुई। उपस्थित लोगों से पता चला कि प्राचार्य जिला कल्याण पदाधिकारी के बुलावे पर अपने विद्यालय दस्तावेज को लेकर गढ़वा गए हैं, जिस कारण उक्त अधिकारियों के द्वारा ना तो यहां पर विद्यालय के प्राचार्य से पूछताछ हो सकी और ना ही वह विद्यालय से संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेजों की जांच कर पाए। उसके बाद जांच अधिकारियों ने जरही गांव के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की स्थल जांच की। जांच के समय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का भौतिक स्थिति के साथ साथ विद्यालय के कमरों की संख्या और साइज की जानकारी ली गई। वहीं विद्यालय में वर्गाकार अध्ययनरत छात्रों की संख्या, शिक्षकों का विवरण तथा अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या की जानकारी हासिल करते हुए अपनी डायरी में नोट किया। तत्पश्चात अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर प्राचार्य संदेश कुमार रवि के अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य चंदन कुमार से लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान अधिकारियों ने NSP पोर्टल पर विद्यालय का KYC कब कराए थे और विद्यालय का नोडल कौन है पूछा गया। जवाब में चंदन ने बताया कि सत्र 2019-20 में NSP पोर्टल से छात्रवृत्ति हेतु मेरे और मेरे विद्यालय के किसी भी शिक्षकों द्वारा कभी भी KYC नहीं कराया गया और न ही छात्रवृत्ति के लिए कभी भी ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। चंदन ने बताया कि जिला कल्याण पदाधिकारी की कार्यालय से विद्यालय KYC का डिटेल निकलवाया है, जिसमें डुप्लीकेट हेडमास्टर और डुप्लीकेट नोडल बनकर लालू प्रसाद नामक व्यक्ति के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, जो ग्राम घगरी पोस्ट सगमा जिला गढ़वा का ही रहने वाला है, जिसका आधार कार्ड विद्यालय KYC में NSP पोर्टल पर अपलोड है। वही चंदन ने बताया कि लालू प्रसाद नामक व्यक्ति मेरे विद्यालय का कभी भी शिक्षक नहीं रहा और न ही विद्यालय के किसी पद पर कार्यरत रहा है। वहीं अधिकारियों ने विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या पूछी तो चंदन ने बताया कि विद्यालय में मात्र 3 छात्र अल्पसंख्यक हैं, जिसमें 2 छात्र LKG में और 1 छात्र 5वीं में अध्ययनरत है। घोटाले की जांच करने पहुंचे जांच अधिकारी DRDA निदेशक ओनील क्लेमेंट ओडिया ने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर 2 विद्यालयों का भौतिक जांच सहित कई रजिस्टर्स की जांच की जा रही है। जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसको उपायुक्त को सौंपेंगे, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच करने आए अधिकारियों में सदर SDO मोहम्मद जिराउल अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमाव राव मौजूद थे। जांच कर रहे हैं, जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक क्या पाया? अभी तो रजिस्टर वगैरह देख रहे हैं, अभी बहुत सारे इशू है, जैसे कि एक विद्यालय में मात्र 3 व्यक्ति नामांकित है। अब वो देखना होगा कि उससे निकला कितना छात्र व्यक्ति। हम लोग जांच रिपोर्ट अभी उपायुक्त को सौंपेंगे, उसके बाद फर्दर कार्रवाई। MEI डेंटल केयर दांत का अस्पताल BP प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहां सभी प्रकार के दांत एवं मुंह से संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा कुशलता पूर्वक मिनिमम रेट में किया जाता है। संपर्क करें 9162943073। गुप्ता IT सॉल्यूशन लैपटॉप कंप्यूटर सेल एंड सर्विस सेंटर BP प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 7995718499। JP सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1,000 रूपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड। ANM GNMD फार्मा में नामांकन प्रारंभ है, जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। लुबी है जहां, पानी है वहां।
अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।